साफ करके काट के इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और इस तरह से देखिए मैंने बारीक एकदम काट लिया, इसे मैंने धो लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखा। थाली के अंदर मैंने आटा को निकाल लिया है, ये गेहूं का आटा है। तो चलिए अब इसके अंदर डालते हैं सामान। तो इस थाली में मैंने देखिए अजवाइन ली हूँ, यहाँ पे लहसुन को दरदरा कूट ली हूँ, यहाँ पे हींग है, और यहाँ पे दो तीन हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। तो इसके अंदर ऐड करते हैं। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है रिफाइंड ऑयल। अब मेथी को इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले इसे हम मल लेते हैं, वैसे ही इस तरह से हाथों से इसे हम मल लेंगे, जिस तरह से आटा गूंथते उसी तरह से हम गूंथ लेंगे इसे। अभी तो फिलहाल इसमें पानी यूज नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि मेथी गीला है ना, उसके अंदर पानी है थोड़ा बहुत। अगर पानी की जरूरत लगेगी तो हम थोड़ा यूज कर लेंगे। तब थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से घूंट लेते हैं। देखिए इसे हमने घूंट लिया है इस तरह से। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसका लोई। यहाँ पे देखिए मैंने 2 लोई बना ली हूँ। तो देखिए इसे हाथ से इस तरह से हम गोल कर लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से। देखिए अब गेहूँ के आटे के अंदर इसे इस तरह से करेंगे और हाथों से इस तरह से कर लेंगे हम। और अब इसे हम बेलेंगे, हल्के हाथों से इस तरह से हम इसे बेलते रहेंगे। मैंने थोड़ा सा और बर्तन लगा लिया हल्का सा, और अभी से हम बेलेंगे। देख गरम, तावा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर पराठे को मैंने रख दी हूँ। इसे हम पहले सेक लेंगे एक साइड से, उसके बाद इसे दूसरी तरफ भी हम पलट के अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो उसमें मम्मी ने प्रेस कर लिया है इसे, और अब इसके अंदर आटा लगा के हाथों से इस तरह से करके अब इसे बेलेंगे। हल्के हाथों से इस तरह से हम इसे बेलते जाएंगे और इसे पलट लेते हैं। देखिए एक साइड हो चुका है, दूसरे साइड हमने इसे पलट लिया है। तो बर्तन लगा चुकी है मम्मी, उसके बाद अब इसे हम बेल रहे हैं। तो देखिए पराठा बन चुका है इस तरह से। इसे हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी साइड का फटेगा नहीं है इस तरह से। और इसे हम पतला ही बेल रहे हैं, देखिए थोड़ा भी चिपक भी नहीं रहा है। और यहाँ पे इसे पलट लेते हैं। तो चलिए अब तेल लगाते हैं। अब इसे दूसरी तरफ भी हम तेल लगा लेंगे।
तो देखिए मेथी का पराठा दिखने में कितना लाजवाब लग रहा है और अच्छा है, उतना ही खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अब चलिए इसे हमने तवा पे रख दिया है, इसे भी उसी तरह से हम ये पहले एक साइड का पका लेंगे, उसके बाद इसे पलट कर दूसरी साइड भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देखिए इसे हमने दूसरी तरफ पलट लिया है, तो अब इसे तेल लगा लेते हैं पराठे को। इस तरह से चारों तरफ हम इसे तेल लगा लेंगे। अब इसे दूसरी तरफ भी पलट लेंगे और तेल लगाएंगे। तो देखिए अब इसे थाली के अंदर निकाल लेते हैं। तो देखिए मेथी का पराठा बनके तैयार हो चुका है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। दोनों तरफ देखिए इसको, इसकी जो सिकाई हुई है बहुत ही परफेक्ट है, इस तरह से देखिए। तो मेथी का पराठा बहुत ही पौष्टिक है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यम्मी। तो अगर आपको मेथी का पराठा का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना।